बहुत सारे लोगों ने बोला था कि अमित बलाना के स्कूल का ब्लॉग बनाइए, और अमित बलाना का स्कूल यमुना बिहार का सीवन स्कूल है, वो मेरे स्कूल के पास में ही है, तो मुझे अच्छी तरीके से पता था तो मैंने ब्लॉग बना दिया है। आपको ब्लॉग पूरा देखना है। जब मैंने ये ब्लॉग बनाया तो मुझे भी अपने स्कूल की याद आ गई, क्योंकि बराबर में मेरा स्कूल भी है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है, और 6 बज रहे हैं सुबह के, और रोड बिल्कुल खाली है और बिल्कुल शांति है। मेट्रो स्टेशन का पास का एरिया है ये, गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके चारों तरफ का मैं आपको दिखा देता हूँ। और हम जाएंगे अब इस साइड, क्योंकि अमित बलाना का स्कूल है वो इस साइड है, और मेरा भी स्कूल इसी साइड है, बिल्कुल बराबर में ही है मेरा भी। तो आपको पता होगा अमित बलाना ने दो स्कूल में पढ़ाई की है। सबसे पहले उन्होंने अपने जौहरीपुर वाले स्कूल में पढ़ाई की है, जो उनके घर के पास में है, फिर यमुना बिहार में। अमित बलाना ने यमुना बिहार में 12वीं तक पढ़ाई की है, उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने कॉलेज से की है। आज की वीडियो में हम आपको अमित बलाना का, जिसमें उन्होंने 12 तक पढ़ाई की है, वो स्कूल दिखाएंगे, और बहुत जल्द ही उनका जौहरीपुर वाला गांव और घर भी दिखाएंगे, और प्राइमरी उनका स्कूल भी। आज मैं यहाँ पर लगभग 3 साल बाद आ रहा हूँ, और मुझे अपने स्कूल का समय याद आ गया, क्योंकि हम भी इन ही सड़कों से होकर के गुजरते थे। मेरा स्कूल भी विजय पार्क सीवन के बिल्कुल पास में ही है। यमुना बिहार की सड़कें बिल्कुल खाली दिखाई दे रही हैं कोरोना वायरस की वजह से। स्कूल के बराबर की ये सड़कें लॉकडाउन से पहले, जब कोरोना वायरस हमारे देश में नहीं था, इन सड़कों पर डेली 8 से 9 हज़ार बच्चे निकलते थे, अपने स्कूल जाते थे, क्योंकि यमुना बिहार में बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, और हर स्कूल में लगभग 7-7, 8-8 हज़ार बच्चे हैं। और आपको पता होगा दिल्ली के जो स्कूल हैं गवर्नमेंट, उनमें सुबह और शाम दोनों टाइम पढ़ाई होती है। सुबह के टाइम लड़कियां पढ़ती हैं, और जब लड़कियों की छुट्टी हो जाती है दोपहर को, तब लड़के आते हैं और तब उनकी पढ़ाई शुरू होती है, और लगभग डेली 6-10 पर उनकी लड़कों की छुट्टी हो जाती है। मेरा स्कूल विजय पार्क आप देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा जो आपको दिखाई दे रहा है, सामने एक गाड़ी खड़ी है और छोटी सी आपको दुकान दिखाई दे रही है, बिल्कुल उसी के बराबर में है विजय पार्क मेरा स्कूल, और उससे थोड़ा पीछे प्रिया पंचवटी के पास ये जो आप देख रहे हैं ये है सीवन स्कूल अमित बलाना का। पूरा स्कूल आपको दिखाऊंगा, वीडियो को आप पूरा देखते रहिए,
आपको गेट भी दिखाऊंगा, किस गेट से लड़कियों की एंट्री होती है, किस गेट से लड़कों की एंट्री होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं C1 स्कूल का ये दूसरा गेट है। यहाँ से कभी कभी लड़कियों को निकाल दिया जाता है जब छुट्टी होती है तब, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सभी स्कूलों की छुट्टी होती है तो लगभग 10-12 हज़ार बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं रोडों पे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इस गेट से भी लड़कियों को बाहर निकाला जाता है छुट्टी के टाइम। और इसका एक मेन गेट और भी है बड़ा, वहाँ से भी लड़कियों को निकाला जाता है। अभी यहाँ पर अभी रोडों का काम चल रहा है और सुबह का टाइम है, तो आपको कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे झाड़ू वगैरह नहीं लग पाई, मैं बहुत जल्दी आ गया था। यहाँ पे है प्रिया पंचवटी, और अगर आप कहेंगे कि प्रिया पंचवटी जाना है तो आपको कोई भी बता देगा, C1 C2 विजय पार्क स्कूल के नाम से भी कोई भी आपको बता देगा। ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो यहाँ पे प्रिया पंचवटी है, यहाँ से हम खाने पीने का जो सामान लेते थे, और ये मेरे स्कूल का गेट है, ये आपको बाहर से बहुत छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर जाके बहुत बड़ा स्कूल है। और ये आप देख सकते हैं रोड पे काम चल रहा है अमित बड़ाना के स्कूल के बाहर, और ये दीवार आपने वीडियो में ज़रूर देखी होगी अमित बड़ाना के। और आपको अमित बड़ाना के स्कूल का जो मेन गेट है वो आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए अमित बड़ाना के स्कूल का मेन गेट है। हमारे यहाँ दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी एक खासियत है, उनके गेट आपको बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और उनकी जो बिल्डिंग है वो भी 3-3, 4-4 मंजिल बनी होती हैं, उनमें बच्चे पढ़ते हैं लेकिन आपको बाहर से बिल्कुल छोटे दिखाई देते हैं। ये है मेन गेट अमित बड़ाना के स्कूल का। अंदर से मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि स्कूल अभी बंद है और मैं बिल्कुल जा नहीं सकता, और वैसे भी किसी को भी ऐसे परमिशन नहीं दी जाती है दिल्ली के स्कूलों में, क्योंकि यहाँ पे जो चौकीदार होते हैं वो ऐसे किसी को जाने नहीं देते हैं किसी को भी विदाउट परमिशन के। तो मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और स्कूल अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपको गेट से बेशक छोटे दिखाई दे रहे हों, बहुत अच्छे स्कूल होते हैं। बात करें तो सामने है एक पार्क, और ये एक नर्सरी पार्क है। यहाँ पे आपको पौधे पेड़ पौधे मिल जाएंगे। सामने एक नर्सरी पार्क है और यहाँ पे आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे, और काफ़ी अच्छा पार्क है ये। हम इसमें घूमा भी करते थे जब स्कूल आते थे। तो सामने एक पार्क है स्कूल के सामने, अभी यहाँ काम चल रहा है, और अच्छा पार्क है। आप देख सकते हैं अंदर से।